नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मन्नत गार्डन एंड लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं इससे तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। ये हमारा कनेर का प्लांट है। ये येलो कनेर है जिसे ओलियंडर प्लांट भी कहा जाता है, जो अपने फूलों की खूबसूरती के लिए मोस्टली इस प्लांट को ग्रो किया जाता है। और रोड साइड एरिया में, पार्क में और इवन कि घरों में भी इस पौधे को इसके फूलों की खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये ग्रो किया जाता है फ्रेंड्स, ये पौधा जो है। और ये जो पौधा है फ्रेंड्स, ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसके साथ साथ इसके जो फूल हैं वो पूजा में भी काम में लाए जाते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो प्रोपोगेट करने का है। और इस पौधे को बड़ी आसानी से कटिंग से और सीड से बड़ी आसानी से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से इसके जो बीज हैं वो फ्रेंड्स आए हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के ये जो बेरीज हैं ये इस तरह से लग रही हैं, ये इसके बीज होते हैं। इसको बड़ी आसानी से ग्रो किया जाता है। और ये जो पौधा है फ्रेंड्स, ये थोड़ा पॉइजनस से भरा हुआ होता है। और जब भी आप इससे वर्क करें तो अच्छे से हाथ भी वॉश कर लीजिए और बच्चों और जानवरों की पहुंच से इस पौधे को थोड़ा सा दूर ही रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो बीज हैं फ्रेंड्स, ये थोड़े से छोटे हैं। और मैं इनके जो बीज को मैं किसी पार्क एरिया से मैंने देखा था, तो अब मैं चलती हूँ, मैं वहीं से ही मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ, तो मैं वहीं से इनके बीज को ले कर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक कनेर का पेड़ है जो मेरे घर के पास एक पार्क में लगा हुआ था। बहुत बड़ा पेड़ है और इसमें मैंने तीन चार जो सीड्स थे वो बड़े बड़े वाले वो मैंने तोड़ लिए। और बी केयरफुल फ्रेंड्स, ये जो बीज हैं आप देख सकते हैं, वाइट कलर का सैप भी निकल रहा है जो काफ़ी पॉइजन से भरा हुआ होता है। तो आप जब भी इस तरह का कोई वर्क करें तो उसके बाद आप अच्छे से हाथ भी आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, कनेर का बीज जो है वो कुछ इस तरह से होता है और ये काफ़ी हार्ड होता है इसका आउटर शेल। तो इसको मैंने पानी में भिगो दिया हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी दिन तक मैंने इसको पानी में भिगो के रखा है। और ये कम से कम 10 दिन तक ये जो है इसके जो बीज हैं वो मैंने पानी में भिगो के रखे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी कुछ जो बीज हैं वो अच्छी तरह से ये पूरी तरह से गले नहीं हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही बीज है जो पूरी तरह से गल चुका हुआ, उसका कलर भी ब्लैक हो गया हुआ है। तो मैं अब एक ही बीज जो है वो ग्रो करूँगी, दूसरा वाला जो बीज है वो मुझे छोटा लग रहा है। सो इस तरह से आप इनको सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये इनका आउटर शेल होता है ग्रीन, और जब इनको हम भिगो देते हैं पानी में कुछ दिन रखते हैं तो ये इस तरह से ब्लैक हो जाते हैं, जिससे इनका जो आउटर शेल है वो बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो अब ये देखिए, गलने से ये इस तरह से इसका ऊपर का जो छिलका है बड़े आसानी से हम इसको निकाल देते हैं। और निकालने के बाद हम इसको बड़े आराम से किसी भी मिट्टी में इसको ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पता नहीं ये अब ग्रो होगा या नहीं होगा, लेकिन चले कोशिशें करते रहनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक ही बीज मुझे मिला है और मैं एक ही बीज इस पॉट में मैं ग्रो कर दूंगी। मिट्टी मैंने पहले ही नम कर दी हुई थी और बारिशें भी काफ़ी खूब हो रही हैं। और तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने इसको मिट्टी में थोड़ा सा इसको दबा दिया हुआ ऊपर से मिट्टी से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है। और हल्का सा मैं इसको वाटर करूँगी क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी नम है, और इसको कुछ दिन के लिए मैं इसको थोड़ा सा शेड में रख दूँगी। तो देखते हैं इनका क्या रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये 2 महीने के बाद का रिजल्ट है। और बड़ी खुशी हुई जब इसके जो पत्ते निकले। तो शुरू शुरू में मुझे यही लगा कि शायद घास निकल आई है, क्योंकि बारिशें भी जो थी वो लगातार हो रही थी और मैं कुछ भूल भी गई हुई थी। लेकिन सच जानिए बहुत ही खुशी हुई, एक ही बीज जब मैंने लगाया और एक ही बीज जो है वो बड़ी आसानी से ग्रो हो गया। तो आप भी इसको बड़ी आसानी से इसको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम ही फ्रेंड्स ग्रो करा हुआ था, और शुरू में मैंने सोचा शायद कुछ घास वगैरह निकली है, 2 पत्ते हैं, तो मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये एग्जैक्ट कनेर का ही प्लांट निकला है या कुछ और ही निकल आया हुआ है। सो अब ये देखिए फ्रेंड्स, बड़े अच्छे से इसकी ये जो लीव्स हैं वो ग्रो हो रही हैं। हालांकि ये जो लीव्स थी ये बारिशों की वजह से इसकी एकदम से 10 दिन में ही इसकी जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छे से होने लगी।
और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोर प्लांट है जो मैंने कटिंग से ग्रो करा हुआ था। हालांकि कटिंग से ग्रो करना थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है। ये मैंने 3 कटिंग्स लाई थी और तीनों की तीनों जो है वो मैंने बड़ी पहले की बात है मैंने ग्रो करी हुई थी। हालांकि अब मैं इनको प्रूनिंग दोबारा इनको बुशी भी कर रही हूँ, तो बड़ी आसानी से वैसे आप इसको सीड से या फिर कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।